अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। बात शुरू बिहार से करते हैं। कहानी बताने से पहले के शंकर की बात सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। धर्म प्रवर्तन करके लड़कियां शादियां करती हैं हिंदू लड़कों से, और उन शादियों को हम संपन्न कराते हैं, इसीलिए धमकी मिली है। ये राष्ट्रवाद है। आपने सुना होगा कि महज कुछ ही वक्त में 65 मुस्लिम लड़कियों को इस के शंकर ने मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से की है। शंकर पर बात करने से पहले बिहार की उस लड़की की बात करते हैं जो मुस्लिम थी और समाज खिदमत अंजाम देती थी। इसी तरह किसी इजलास में गोविंद नामी हिंदू लड़के से इसकी पहचान हुई और फिर मोबाइल के जरिए चैटिंग शुरू हुई। किसी मंदिर में जाकर एक दिन गोविंद ने मांग में सिंदूर भर दिया, फिर हिंदू हो गई। उमूमन जिस तरह अख्तलाफात होते हैं उस तरह इनके घरों में भी अख्तलाफ होते रहे, लेकिन रानी ने हिंदू मजहब इख्तियार कर उसके साथ रहने लगी। वक्त के चलते हमला भी हुई। अब गोविंद इससे किनारा करना चाहता है और नई नई शर्तें आयद कर रहा है। गंगा में डुबकी लगाकर शुद्धिकरण और द्रौपदी की तरह दूसरों से भी रिश्ता रखने की वगैरह वगैरह। खैर, आजकल हिंदुओं से भागकर शादी करना आम होता जा रहा है और माशरे का बड़ा गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अब रानी पछता रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। ना तो पुलिस वाले मदद कर रहे हैं और ना ही कोई सियासी लीडर इसकी बात सुनने को तैयार है। कुछ साफियों से बात कर रही है लेकिन कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि रानी अच्छे खानदान से है और गोविंद को कुछ लाख रुपए भी बतौर मदद करने की बात सामने आई है। जाहिर है जब कुछ लाख रुपए गोविंद को दे सकती है तो यकीनन आमिर ही हो सकती है। अब बात के शंकर की करते हैं। शंकर ने तकरीबन 65 से भी ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करते हुए हिंदुत्व कैसे राष्ट्रीयत्व है, यानी कि हिंदुत्व कैसे नेशनलिज्म बनता जा रहा है, इस पर भी वो बात कर रहे हैं। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व ये अक्सर आरएसएस वाले कहते हैं। जाहिर है ये शंकर भी आरएसएस की सोच और फिक्र से है, यह खुद भी पंडित है। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर शंकर से आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके पैर छूकर। इसे महज एक खबर के तौर पर न लिया जाए। इससे पहले भी हमने कई वारदातों का जिक्र करते हुए क्या मुसलमानों को इतना बड़ा मसला मामूली लग रहा है। यकीनन मुस्लिम समाज मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, उसके सामने रोजाना एक किसी न किसी तरह का मसला दरपेश आता रहता है। मुसलमानों के तो रोजाना के अपने मसाइल ही हल नहीं हो रहे, इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही, इनके रोजाना की मसरूफियत ही दुनिया से अलग है। इनको वहां से फुर्सत मिली तब वो कहां कौम के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब वक्त किसके पास है। सभी अपने अपने तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने में मस्त है। मुस्लिम लड़कियों का इस तरह मुर्तद होना और इस मौजू पर कहीं पर भी कुछ न कहना, आखिर इस मिल्लत या इस मिल्लत के रहनुमाओं को आखिर हो क्या गया है? क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्या मिल्लत की बेटियां ईमान से फिर रही हैं? इसका दर्द किसी को नहीं हो रहा? और सिर्फ बिहार यूपी या किसी और रियासत की बात नहीं है, बल्कि बेलगाम जैसे शहर में भी कई मामले देखने को मिल रहे हैं। अब तो कुछ कपड़ों फैक्ट्रियों के मालिक फिरका परस्त एजेंडे पर, यानी कि जो पहले से ही फिरका परस्त एजेंडों पर काम करते हुए देखा जा रहा है, और मुस्लिम लड़कियों को हिंदुओं से शादी करवा रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि बेलगाम में भी हो रहा है। कभी कभार रानी जैसे फरियाद दर्ज करने वाले होते हैं, वैसे अक्सर मामले दबा दिए जाते हैं। कुछ लड़कियों को बाजारू बना दिया जाता, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इस पर बोलना कोई नहीं चाहता। आखिर उम्मत की इन बेटियों पर संजीदगी से क्यों सोचा नहीं जा रहा? मुसलमान तालीमी मैदान में, तिजारत में, नौकरियों में, यहाँ तक सड़क पर ठेले लगाकर दो वक्त का गुजारा करने के लिए, अपनी जिंदगी से लड़ने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। इसके बावजूद सिर्फ मुसलमान होने पर उसे निशाना बनाया जा रहा है, पर पूरी उम्मत आज भी ख्वाब गफलत में सोई नजर आ रही है। कल शबे बारात मनाई गई, मुर्दों पर दरूद फातिहा पढ़े गए, लेकिन क्या जो पढ़ रहे हैं वो जिंदा है? अजीब नजारा कह सकते हैं। मुर्दा कौम पर आखिर कौन फातिहा पढ़े? जब बेटियां मुर्तद हो रही है इसका जरा बराबर भी फिक्र नहीं, इज्जतें तार तार हो रही है। हमारे असलाफ की वो तारीख है जब मुस्लिम खवातीन के दुपट्टे को छू लिया जाता तो मार के हुआ करते थे। अब सब कुछ लूट रहा है पर कहीं पर भी हरकत नजर नहीं आ रही, कहीं पर बैठकर मशवरा नहीं। आखिर इसकी जड़ क्या है? यह मसला कहां से पैदा हो रहा है? कहां गलतियां हो रही है? इस तरह लड़कियों के मुर्तद होने वाले तूफान को कैसे रोका जा सकता है? कितना बेहिस हो चुके हैं हम इस मौजू पर। इससे पहले भी हमने कहा है, बार बार इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यह बहुत ही संजीदा मौजू है। मोहल्ले के जिम्मेदारान, जमात, कमेटी, इदारों को चाहिए कि जल्द से जल्द शहरी सतह पर सोचे, हर शहर में इस तरह के मसाइल को रोकने के तदाबीर बनाए, वरना ये आग हर घर को अपनी चपेट में लेने वाली है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महज रस्मी इबादतों को ही हमने सब कुछ समझ लिया है, जब ईमान ही नहीं रहा तो फिर ये हमारी इबादतें, रस्म, ये हमारे दावे क्या काम के? इस पर
एक बार सभी को गौर करने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बार बार मुझे कॉल करने लगा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हम आपको पहली नजर में देखे तो इतनी सारी लड़की को देखे, उत्तराखंड से लेके यहाँ तक देखे, मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगा, बहुत अच्छी है बात भी हर चीज में, वो लड़का मेरी हमेशा तारीफ करते गया करते गया। मैं भी एक भावुक हो गई, मैं भी एक भावुक हो गई, मैं भी बात करने लगी उससे। 6 महीना कंटिन्यू मेरे साथ आना जाना, ठीक है। 22 मार्च को उसने मेरे से शादी करने का डिसाइड किया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप मेरे से शादी करिएगा। तो हम उसको बताया, अपनी पूरी स्थिति बताया कि देखिए मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, और मैं जात की मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हैं, हम शादी करने के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। आप तो वो बोला मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना जी नहीं सकती, अगर आप मेरे से शादी नहीं करोगे तो हम तालाब में कूद जाएंगे या तो जहर खा के हम अपनी जान दे देंगे। मुझे मंदिर के अंदर ले जाके, शिव जी के मंदिर में ले जाके, जो वो मंदिर रजिस्टर नहीं है, सरकारी नहीं है, उसमें जाके मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। वो गंगा जो है, गंगा जी, वहां जाके तुमको हम स्नान करा देंगे। उसने मुझे बोला स्नान करा देंगे, तुम पूरा शुद्ध हो जाओगे क्योंकि मुस्लिम हो। हाँ, मैं 2 महीने 20 रोज का मेरे पेट में बच्चा भी था, जो मैंने अपने पति गोविंद को बताया कि गोविंद ऐसा सा बात है, से मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है, से मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, से क्या करना है नहीं करना आप हमको बताइए। तो वो बोला कि इसे कोई बात नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है, उसने बोला। उसके बाद में वो सर अपनी माँ को बताया, उसकी माँ मुझे अपने बेटा को सिखाया कि बेटा ऐसे बच्चा की क्या जरूरत है, बच्चा अच्छा नहीं चाहिए। अभी हम रेगुलर बात करते रहे, 5 फरवरी से उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। 4 फरवरी को रात में उसने मुझे 9:00 पे कॉल किया था, और उसके बाद 5 फरवरी को उसने मेरे 12:10 अंतिम बात यही हुआ था मुझे कि तू मेरे 1 तारीख को मेरी शादी हो रही है, तू मेरे शादी में आ जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, वार्ड नंबर 4 से कसाब जमात से ये लेडीज वार्ड हो गया, तो 8 मुनाइंदे हमें दिए थे हमारे माँ बहना के नाम, हमने इसमें से 4 नाम आ गए, 4 नाम का जमात से हर घर से हम वोटिंग किए पूरा इलेक्शन, हर एक इंसान घर का बड़ा आदमी जो है वोट किया, वो अत्ते 59 वोट्स, इसमें से वोट का डिक्लेयर हो गया शहनाज अयूब व्यापारी 36 वोट से उन्होंने कामयाब हो गए, और ये कसाब जमात से और तमाम लोगों को हम ये कैंडिडेट लेके घूमेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी हो, बाहर से जाकर उनको कैनवास करेंगे कि हम एक मुनाइंदा बताए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, और सब भाइयों को ले को करके हम ये इलेक्शन लड़ने का हमारी जमात सोचिए। इसमें बिस्ती जमात है, हमारी दखनी जमात है, और हिंदू भाई है हमारे, सब भाई को ले को कोशिश कर को हम इंशाल्लाह ये सीट को लाने की कोशिश करेंगे, और सबकी दुआ होना भाई, सबके हमारे साथ ऐसे ही काम कर रहे हैं, सबकी दुआ हमारे साथ रखो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और आप तमाम लोगों का, अहले कसाब जमात का, और हमारे खुसूसन रिजवान भाई, हमारे मुशर्रफ भाई, आसिफ भाई, अवेश भाई, जमीर भाई, मकसूद भाई, और बहुत सारे नाम बनाम है लेकिन मैं उतना नाम नहीं लेता, शब्बीर भाई है और हमारे चौधरी साहब है, वो सब लोगों ने मिलकर एक पैगाम लोगों को पहुंचाया। ये पैगाम है कि इत्तेहाद, इत्तेहाद ऐसी एक चीज़ है हर किसी को एक आगे तक पहुंचा सकती है चीज़, इसलिए मैं तमाम लोगों का और एक मरतबा तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर सब हमारे मोहल्ले को के साथ क्या मिलजुल कर हमारे जमात को एक मजबूत इरादे के साथ कायम किया, और इंशाल्लाह मुझे आइंदा भी उम्मीद है कि हम सब ऐसा ही काम मिलजुल कर हर काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी जमात वाले मेरा साथ देंगे,
मैं तमाम जमात वालों का, हमारे बरादरों का, साथियों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज जैसा इत्तेहाद इन्होंने दिखाया है, मुझे उम्मीद है ऐसा ही इत्तेहाद जो है ना हमेशा के लिए हमारा कायम रहे और आइंदा भी जो है ना ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ऐसा सब तमाम भाई और हमारे ब्रादर साथ देंगे हमारा भी और हम भी जमा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी जितनी कैपेसिटी है वो तमाम बरूए कार लाकर भलाई के कामों में सर्व करने की तौफीक दे। और एक हमारे अगले कैंडिडेट तो थे, उनकी सबसे बड़ी मेहनत है और सबसे बड़ी कुर्बानी है ये जमात के लिए, अपने सीट को छोड़ के कुर्बानी दे के उन्होंने ऐलान किए ये जमात से तय करो, और उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके पूरा सपोर्ट के साथ उतरे हैं, वो सबसे बड़ी बात है रिजवान व्यापारी की। हम और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी कुर्बानी दे के हमारे को आगे नए से और कदम लेने के लिए और खांदे को खांदा मिला के जमा के साथ देने की कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मुहिम को लेकर हमारे मोहल्ले वाले मेहनत कर रहे थे उस मुहिम में अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, और जो है इस मुहिम में हमारे मोहतरमा शहनाज भी जो है जीत कर आई है हमारी मेहनत से। कैंटोनमेंट के इलेक्शन के लिए इन्हें क़ियाम जमात की जानिब से चुना गया है नुमाइंदे के तौर पर, और इंशाल्लाह हमारी मेहनत ये रहेगी कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी इसी तरह से कामयाबी हासिल करें, और इसके लिए हम आपस में मेल बनाकर जो है मेहनत करते रहेंगे और इनको कामयाबी तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला जमात वालों का, सब पूरे जमात वालों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं भाई कि सही कैंडिडेट को चुने, और जमात वालों का ये भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन को अरेंज करे, जिस तरीके से आपस में हमारे अमन को कायम रखो, किसके भी दिलांग को आपसी रंजिश नहीं हुए सर का, जो तरीके से आज जो सिस्टम से इलेक्शन करे वो सिस्टम काबिल तारीफ़ है। पूरे हमारे हिस्ट्री के अंदर ये हिस्ट्री हुई आज कि जो है सब जने एक ट्रैक पर और एकदम पीसफुली इलेक्शन हुआ, वो तरीके को मेरा दिल से जो है मैं बहुत पसंद करा, और ये जमात वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, आज एक गली में नुमाइंदा चुना गया, बेस्ट से बेस्ट अच्छे अखलाक वाले अच्छे एजुकेटेड नुमाइंदा है हमारा, और सबका दिल से शुक्रिया है। हमारे रिजवान व्यापारी की मेहनत बहुत रही भाई, एक ऑलरेडी विनर कैंडिडेट है, चाहते थे तो खुद भी बैठ सकते थे, लेकिन उनका इसमें क्या था कि गली का जो है डेवलपमेंट होना, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चांस मिलना, और ये हमारे आपस की बातचीत में उन्होंने बोले कि अगर मैं नहीं बैठा तो भी मैं बैठे जैसा छः बोले, ये मेरी कुर्बानी और मेरा ये जो है कि नहीं कैंडिडेट हमारे गली का आना, या तो व्यापारी आना या तो चौधरी आना, अल कुरेश का झंडा कैंटोनमेंट के इसके ऊपर लहराना। जो सब करे हमारे जमात वाले करे, हमें क्या करने वाले हाँ, और इसके आगे भी अभी हमें अभी यहाँ का इलेक्शन करे, वो जीत यहाँ इलेक्शन कर को एक कैंडिडेट अभी हमारे सामने आया, चारों कैंडिडेट हमारे साथ थे बाहर के नेते, लेकिन हमना एक कैंडिडेट होना था कैंटोनमेंट को जाने का स्तर, वो कैंडिडेट के स्तर हमें इलेक्शन कर को ये इलेक्शन जीत आज जीत को हमारे भाभी को जीता को ले गए, और इंशाल्लाह से आगे जब तक काम करें नहीं उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी करेंगे। हमें सब जने मिल को खाली कसाब जमात, बिस्ती जमात, कोंडापा स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट, पुलिस क्वार्टर्स, या हमारे बंगले एरिया में हमारे लोग बहुत आए, उनको सबको ले को एक काम चलेंगे, इनका क्या भी काम है तो कभी भी हमना याद कर सकते हैं, हमें काम को रेडी है। आप तमाम लोगों का साथ रहने की वजह से मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग मुझे साथ देंगे।